सच बता रहा हूँ, ऐसे दर्शक जो है ना, ये मैं वो आदमी नहीं हूँ कि स्टेज के ऊपर बोलूँगा कि ये तो भगवान है और पीछे मैं उल्टा सीधा बोलूँगा। मैं सच में बोल रहा हूँ कि अगर यश कुमार के पास दो वक्त की रोटी है तो आप लोगों का लिया होगा, आप लोग नहीं होते तो शायद मेरे पास दो वक्त की रोटी नहीं, आप लोग नहीं, सच है। आप लोग फिल्म देखते हैं, उसी फिल्म से प्रोड्यूसर हमको लेकर के फिल्म बनाता है और हमारे पास जो कुछ भी आप लोगों को दिए। पूरी सिनेमा में एक दौर ये भी था कि यहाँ पे 300-400 लोगों की भीड़ होती थी और ये दौर थोड़ा सा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है, जो मेरे दर्शक नहीं आ रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग ना भोजपुरी को बढ़ाइए, क्योंकि भोजपुरी हमारी भाषा है। सारे लोग जो अपनी अपनी भाषा में फिल्मों को बढ़ा चढ़ा के देखते हैं, जो फिल्में बनती हैं, आप लोग आना बंद कर देंगे तो भोजपुरी सिनेमा बनना बंद हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आइए, और मैं दिल से बता रहा हूँ कि बड़ा रिस्पेक्ट है ऐसे लोगों को, नहीं होगा तो बहुत नहीं। क्या नाम है बेटी? नैन्सी नाम है आपका, पढ़ाई करती हो? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? तीसरी में। ये फिल्म हमने बच्चों के लिए बनाई है, छोटे से हीरोइन के कुछ बंदा बोले आपके जैसी है, क्यूट सी बच्ची है और वो हाथी के साथ खेलती है, आपको डर लगता है हाथी से? हाथी से डर नहीं लगता है? कभी देखा है आपने हाथी सामने से, उसके ऊपर बैठी हो? आप जब भी हाथी मिले तो उसको बिठाना। अब मेरे को अगर पता होता ना तो मैं हाथी लेके आया होता और तुम्हें बिठा के घुमाता है यहाँ पे। यश जी ये बहुत बड़ा, मेरे आंखों देखी, मैं खुद अभी, इन्होंने कहा कि ये तीसरा शो देखने जा रही है, जो कि मैं सुनता हूँ कि लोग भोजपुरी पिक्चर देखने नहीं जा रहे, लेकिन मेरे आंखों देखी ये चीज़ है। आप भी देख रहे हैं, एक महिला बता रही है कि 300 जो और बच्ची खड़ा जो है यहाँ आई हुई है, जो कि भोजपुरी फिल्म देखने के लिए आई है, ये अपार प्रेम देखते हुए क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मैं ये अपार प्रेम, मैं इसीलिए हमें बताया था, या शायद लास्ट इंटरव्यू में मैंने बताया था कि जब पूरी इंडस्ट्री वही लहंगा चोली ढोड़ी में घुसी हुई थी ठाकुर ठाकुराई में, तो मैंने पारिवारिक फिल्में बच्चों के लिए फिल्में बनानी शुरू कर दी थी, इसलिए कि ये बच्ची फिल्म देखते हुए या इस बच्ची को फिल्म दिखाते हुए इसके पिताजी की आंखों में कहीं ये शर्म ना हो कि यार मैं क्या दिखाने लेके बच्ची को आता। इसलिए मैं साफ सुथरी फिल्में बनाता हूँ, परिवार के लिए फिल्में बनाता हूँ और हर साल कम से कम दो फिल्में मैं बेटियों के लिए बनाता हूँ। बिटिया छठी माई के बनाई थी बेटी के ऊपर, बिटिया छठी माई के पार्ट टू मैंने बेटी के ऊपर बनाई थी, बेटी नंबर वन बनाई थी मैंने बेटी के ऊपर, लाडो बनाई, लाडो टू बनाई है, हाथी मेरे साथी बनाई है और मैं आगे भी बेटियों के लिए फिल्म बनाता रहूँगा। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं एक ऐसे सिनेमा का निर्माण करूँ, ऐसी फिल्में बनाऊँ जो बिना पलक झपकाए भोजपुरी का हर दर्शक अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपनी बेटी के साथ बैठ कर बिंदास हो। यश जी, आपने जो शुरुआत की थी जानवरों से के साथ फिल्म बनाने की, मुझे लगता है शायद सांप से शुरू हुआ था, उसके बाद कुत्ता, फिर बंदर, फिर घोड़ा, अब सबसे बड़ा जानवर हाथी है, इसके बाद क्या बचा? सिर्फ डायनासोर? डायनासोर इस पृथ्वी पर उपलब्ध होता तो मैं पक्का डायनासोर के साथ फिल्म बनाता, लेकिन जिस तरीके से प्यार मिल रहा है, मैं पहले कुत्ता बंदर लेकर के आया, सांप लेकर के आया, फिर घोड़ा लेकर के आया, फिर दूसरी फिल्म में दो कुत्ता लेकर के बनाया, अभी अभी मैंने हाथी लेकर के बनाई है और मुझे इसी तरीके से प्यार मिलता रहा, थिएटर का सपोर्ट मिलता रहा, दर्शकों का प्यार मिलता रहा, तो शायद आने वाले दिनों में शेर भी आएगा और रियल शेर आएंगे। मैं कोई ग्राफिकल शेर के साथ शूटिंग नहीं करूँगा, अगर मुझे प्यार मिला मैं बैंकॉक जाऊँगा, थाईलैंड जाऊँगा, मैं रियल शेर के साथ शूटिंग करूँगा, भालू के साथ शूटिंग करूँगा, जो भी ऐसे जानवर चिंपैंजी हो गया, जो चीज़ें होती हैं, मैं हर चीज़ों के साथ शूटिंग करूँगा। आप लोग बस अपना प्यार देते हैं, नकली, अरे नकली मगरमच्छ वो उठाते हैं जिनको मगरमच्छ से डर लगता है, मुझे अगर उठाना हो तो मैं असली उठाऊंगा। एक बार माइक यहाँ दर्शकों के पास लीजिए। हाथी को लेकर यश जी फिल्म बना रहे हैं, एक बहुत बेहतरीन फिल्म भोजपुरी बन रही है, आप लोग अपना विचार बताइए क्या है? लिए हैं ऐसी फिल्म बना रहे हैं यश जी, इसका क्रेडिट देना चाहेंगे, इनको आशीर्वाद देना चाहेंगे? अरे अच्छा, कितने लोग हैं जो दोबारा इस फिल्म को देखना है, जरा हाथ उठाइए, कौन देखेगा दोबारा? ₹60 का टिकट, फिर ₹80 का टिकट, क्या बात है, क्या बात है चाचा, बहुत अच्छा। पूरा फिल्म देखेंगे, सिटी बजाया जाएगा। थैंक यू मेरे भाई। अरे चाची कैसी हो आप? सब बढ़िया। एक बार ये दर्शक वापिस आप बताइए कैमरे पे देखते हुए, आप बहुत बड़े फैन हैं दर्शक, एक बार वापिस बोलिए, यश जी के फैन है आप? बहुत, मैं फैन हूँ। वाह, देखो सर, और देखिए इनकी बीवी भी देख रही है, कंटिन्यू वीडियो कॉल पर बनी हुई है। तो यश जी जरा हाथ उनको दिखाइएगा। थैंक यू भाभी जी, आपको भी आना चाहिए था फिल्म देखने।
आ तू अकेले चलेला मर गा उनका कहा ना ले ला सगरी मजा अकेले मर गा उधर में आइए अगले शो में लेके आइए हाँ आप चलो ओके नैन्सी मिलते हैं गुड़िया थिएटर में एक बार ये खुल सारे की बात पहली बार पति की फिल्म देखने आई हूँ देखने का ये भी रीजन है कि फिल्म की निर्माती हूँ तो देखना बनता है कि मेरे हीरो ने काम कैसा किया है एक्चुअली जब हमारी शादी हुई 2022 उसके बाद इन्होंने कहा कि यार पिछले काफ़ी फिल्में आपने ऐसी बनाई हैं जो बड़े नॉर्मल बजट में बनाती हैं कुछ बड़ा सा धमाका करिए मैंने कहा क्या बड़ा धमाका करो तो बोली कि नागराज बना दीजिए तो नागराज और चंडालिका हमने बनाई है जिसका ट्रेलर बहुत जल्दी रिलीज होगा वो भी थिएटर में लेके आएंगे भारी भरकम फिल्म है मैं ये नहीं कहूँगा कि कितने करोड़ उसमें या कितने लाख VFX में कई सारे और बाकी चीज़ों में साथी मेरे साथी को लेकर कुछ स्पेसिफिक आपने कहा था इन्हें देखिए बहुत एज अ क्लियरली हमारा ये रहता है कि यश कुमार एंटरटेनमेंट जब भी फिल्म बनाए तो लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि कुछ चीज़ रिपीट है या क्या है बोर हो गए अगर फिल्म आई है तो आंखों से आंसू निकलनी ही चाहिए उस फिल्म से कनेक्ट होनी ही चाहिए तो राइटर एज एन राइटर मैं इन्हें भी बहुत ज़्यादा मानती हूँ बिकॉज एक कहानी अगर इन्हें दे दें तो पूरी कहानी सुना देते थोड़े बहुत ऊपर नीचे हमने किया था एंड फिल्म आप देख ही रहे हैं और दर्शक का प्यार देख ही रहे हैं तो फिल्म सबको पसंद आई है एक्चुअली मैं बताऊँ मैं कोई भी कहानी लिखता हूँ तो मैं बैठ करके पहली लाइन इनके साथ जाकर शाम को डिस्कशन करता हूँ ये सच है कि बेटा मैंने ये एक फिल्म सोची है और इसको मैं बनाने की प्लानिंग कर रहा हूँ बीच में भी एक फिल्म मैंने लिखी थी मुझे लगा था कि ठीक है फिल्म इन्होंने मना कर दिया बोले नहीं मज़ा नहीं है तो मैंने ड्रॉप कर दिया फिलहाल वो आइडिया ड्रॉप कर दिया लेकिन जब मैंने हाथी मेरे साथी का सुनाई बोले कि हम पर ये फिल्म बनाइए अलग है नागराज और चंडालिका की कहानी जब मैंने लिखी ये सारी कहानियाँ मैंने लिखी तो इन्होंने कहा कि ये अच्छी फिल्म है इसको लाडो रानी जब हम लोग प्लान कर रहे थे तब भी हमारा यही हुआ तो हम जब भी कोई फिल्म बनाते हैं तो नाम है नागराज और चंडालिका 15 दिन 20 दिन के अंदर उसका ट्रेलर आएगा आप लोगों के बीच में और नवंबर के एंड तक वो फिल्म थिएटर में आपको देखने को मिलेगी फिर लाडो रानी आएगी बाकी मेरे साथी तो बवाल हमने खर्चा किया उस पर और रिस्पॉन्स अच्छा मिला है उसका दर्शकों का तो मैं बहुत नतमस्तक हूँ और ये सारा क्रेडिट इनको जाता है तो क्या बनाना है क्या नहीं निधि जी एक शायरी है मैं अकेला चला था कारवा बनता गया और मैं पहली बार सुपर सिनेमा में आया यश जी की पिक्चर का रिव्यू करने के लिए मैं देख रहा हूँ पहले तो मुझे एक जने दिखाई दी कि एक नहीं तीसरी बार आई फिर मैंने देखा कि और काफ़ी लोग यहाँ फैन लगे हैं एक तो अलग तरह के फिल्म करते हैं और कारवा बना लिया इन्होंने क्या कुछ बोलना चाहेंगे देखिए ये जो है इनको मैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहती हूँ बिकॉज एक्टिंग तो सब करते हैं लेकिन फिल्म के अंदर खुद एज ए प्रोड्यूसर खुद ही क्यों ना हो या किसी और टीम भी ये आदमी जिस डेडिकेशन से फिल्म में घुसते हैं एक वक्त में तो ऐसा होता है कि मे बी हम फिल्म कर रहे हैं ये सपने में भी ऐसा रहेगा कि नहीं ये शॉट छूटा है इसमें ऐसा किया जा सकता है तो डेडिकेशन लेवल में मैं इनके आगे किसी को नहीं समझती हूँ चाहे वो जोकर में लस्सी से मान खाना हो इनके पूरे पीठ में स्क्रैचेस आ रहे थे ब्लड निकले थे मैं इनसे झगड़ रही थी कि ठीक है आप कभी पहुँच सकी लेकिन नहीं लगता था कि रियलिस्टिक लगना है तो लगना है मैं आपको हाथी को लेकर भी एक किस्सा सुनाना चाहूँगी जब हाथी के साथ ये शूट कर रहे थे तो अब जानवर है हमेशा उनका मूड सही नहीं रहता है तो बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया था जिसकी वजह से थोड़ा सा हाथी ने अपना आपा खो दिया था और ये बैठे थे ऊपर हाथी ने बकायदा गिराया है और ये ऐसे बचे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ वैसे भगवान का आशीर्वाद था कि टच वुड कुछ नहीं हुआ हमारे सेट पे मैंने पिछले सब अच्छे अच्छे से इस मैटर को दबा दिया था नहीं मैं कह रही हूँ कि इस लेवल के तौर पर उतरी तो एक प्रॉपर निर्मात्री बन जाऊँ लोग एज एन एक्टर तो बहुत ज़्यादा प्यार दिए मेरे दर्शक दूसरा परिवार है बहुत ज़्यादा प्यार दिया है अब मैं चाह रही हूँ कि यश कुमार एंटरटेनमेंट जो भी लोग अगर फिल्म देखें तो बोले नहीं ये यश कुमार एंटरटेनमेंट की फिल्म है और ये ऐसी फिल्म है जो पूरे परिवार के साथ बड़े बुजुर्ग छोटे बड़े सबके साथ जाके देखा जा सकता है तो अब उसी पे ही काम है उसके बाद और भी कुछ है जो बहुत जल्द आने वाला है उसके लिए थोड़ा सब्र की दर्शक के पास चलते हाँ हरे हरे वढ़ने में दाग लागत है ठीक है इस भैया हमार घरेलू फिल्म बनावत है हाथ गाड़ी के काम करे थे देख लो टिकट या देख ले एक बार जोर से ताली बजा दो भाई 70 टिकट
यस भैया से बहुत मोहब्बत है उनका, ठीक है। हाँ अश्लील गाना ना बनाओ, थैला का ढड़ नीमा आग मिटा का। ये देखिए ये मेरी कमाई है, मैंने यही कहा था कि मैं एक पारिवारिक फिल्म बनाता हूँ जिसको सब देखें, तो ये मेरी कमाई है जो ये मेरे भाई ने बोल दिया। आज हम बैठ के देखा तो बिल्कुल शिवाजी अभी अंदर जाना, ऊपर जाना फिर।